हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को सी लैंग्वेज का सिंपल प्रोग्राम देखना है और आज का हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर थ्री नंबर एंड प्रिंट इट्स एवरेज। ठीक है, मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग प्रोग्राम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपको कितने वेरिएबल लेने हैं और वो वेरिएबल कौन से टाइप के लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तीन नंबर एंटर करने थे इसलिए मुझे तीन वेरिएबल लेने ही हैं, ए बी सी, बराबर है। जो नंबर हम एंटर करते हैं वो इंटीजर टाइप लेने हैं, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एवरेज। तो एवरेज वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप हम लोग फ्लोट लेंगे क्योंकि एवरेज का जो आंसर है वो पॉइंट में आता है, इसलिए हम उसका डेटा टाइप फ्लोट ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, देन void main function, बराबर है। देन तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिए, इंटीजर ए बी सी, और फ्लोट में मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए वी जी यानी एवरेज। ठीक है, देन सी एल आर एस सी आर फंक्शन, क्लियर द स्क्रीन, देन आ जाएगा मेरा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में एंटर थ्री नंबर्स या एंटर वैल्यू ऑफ ए बी सी, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो। स्कैन एफ, मुझे तीन नंबर सेव करने हैं इसलिए परसेंडी थ्री टाइम्स लूंगी मैं, क्योंकि मुझे वैल्यू स्टोर करने हैं ए बी सी में और ए बी सी मेरे इंटीजर टाइप वेरिएबल है। ठीक है, देन एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी और एम्परसेंट सी, ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमी कोलन। ठीक है, देन एवरेज इक्वल टू, हम लोग पहले ए प्लस बी प्लस सी के एडिशन करके उसको थ्री से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मेरे पास थ्री नंबर्स थे। देन उसके बाद प्रिंट एफ में उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ एवरेज इक्वल टू परसेंट एफ, क्योंकि एवरेज आपका फ्लोट टाइप वेरिएबल था इसलिए यहाँ पे परसेंट एफ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रेट सी एच और क्लोजिंग। ठीक है, अभी इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे आ जाएगा आपका रैम, मेन फंक्शन के थ्रू आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट स्क्रीन आपको डिस्प्ले होंगी, रैम आपको डिस्प्ले नहीं होंगी। कर्सर मेन के अंदर आने के बाद तीन डेटा मेंबर यहाँ पे है, तो रैम में ए बी सी के लिए 2-2 byte अलोकेट होंगे क्योंकि इंटीजर टाइप है, और एवरेज के लिए 4 byte अलोकेट होंगे क्योंकि वो फ्लोट टाइप वेरिएबल है। ठीक है, सी एल आर एस सी आर फंक्शन, क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर हो जाएंगे आपके आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, देन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में आपने जो लिखा है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रिंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, तो एंटर थ्री नंबर मैसेज आ जाएगा। मैं तीन नंबर एंटर करती हूँ यहाँ पे, 4, 5 and 2। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर से होगा ए में, सेकेंड नंबर से होगा बी में, और थर्ड नंबर से हो जाएगा आपका सी में। ठीक है, देन एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा यानी 4 + 9 + 11, 11/3 यानी एवरेज में वैल्यू आ जाएंगी आपकी 3.66 समथिंग, कुछ तो भी ऐसे आएंगी। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट से क्या होगा, एवरेज इक्वल टू परसेंट एफ से ए वी जी की वैल्यू, यानी आपको प्रिंट हो जाएगा 3.66। ठीक है, और गेट सी एच आपका आउटपुट आपको यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा।